अब दुआ का बाप खुद तो इतना आवारा है कि दूसरों की बहन बेटियों को राह चलता तंग करता है, लेकिन अपनी बेटियों पर इस कदर पाबंदी लगा रखी है। इसी पाबंदी की वजह से दुआ बागी हो जाएगी और घर से भाग जाएगी ताकि फरहाद से शादी कर ले, और फरहाद जिसका रिश्ता दुआ के घर पहुंच चुका है वो तो इस खुशफहमी में हाँ कर देगा कि उसकी शादी दुआ से होने वाली है, लेकिन उसकी शादी दुआ की बहन से हो जाएगी जिसके साथ कभी खुश नहीं रहेगा और उसे भी अच्छा सलूक नहीं करेगा। जबकि दुआ अब नौशरवा से मिलेगी और नौशरवा उसे मोहब्बत करने लगेगा, और नौशरवा और कशमाला के दरमियान जो रिश्ता है वो कभी भी ना तो कशमाला को खुशी दे सकता है और ना ही नौशरवा उसे कबूल कर सकता है। इसलिए नौशरवा दुआ से शादी कर लेगा, उसे बेहद मोहब्बत करेगा, लेकिन कशमाला की वजह से उनमें बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी और वक्त पर मिलता रहे।